संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास फोर्थ के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज आपका टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। तो सभी बच्चे आज क्या पढ़ेंगे? रोमन नंबर्स। देखिए, आप अपनी बुक ओपन कर लो, लिखा हुआ है पेज नंबर 14 में रोमन न्यूमेरल्स। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या है इसका। लिखा हुआ है द रोमन न्यूमेरल्स आर फॉर्म्ड बाय ओनली 7 सिंबल्स। क्या लिखा हुआ है? रोमन न्यूमेरल्स आर फॉर्म्ड बाय ओनली 7 सिंबल्स। तो जो भी रोमन सिस्टम बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सिंबल से बना हुआ है। कौन कौन से सिंबल हैं? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। कौन कौन से सिंबल हैं? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। आगे क्या लिखा हुआ? द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज सिंबल्स इज गिवेन बिलो। तो इनकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। देखो लिखा हुआ है, जो आई की वैल्यू है वो क्या है? 1। आई फॉर 1, वी फॉर 5, एक्स फॉर 10, एल फॉर 50, सी फॉर 100, डी फॉर 500, एम फॉर 1000। तो सभी बच्चे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो सिंबल्स हैं उनकी वैल्यूज हैं उन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर लें। एक बार रिपीट कर रहे हैं, आई की वैल्यू क्या हो रही? 1, वी 5, एक्स की वैल्यू क्या होती है? 10, एल फॉर क्या होता है? 50, सी फॉर 100, डी फॉर 500 एंड एम फॉर 1000। अब आगे लिखा हुआ है रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर लिखने के कुछ नियम होते हैं, वो लिखे गए हैं। फर्स्ट रूल में क्या बताया गया? व्हेन सर्टेन रोमन सिंबल्स आर रिपीटेड इन सक्सेशन द वैल्यू ऑफ न्यूमेरल्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ सिंबल्स बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड। तो क्या बताया गया? यदि हम कोई रोमन नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं सक्सेशन ऑर्डर पे, तो उसकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाइंग के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। जैसे यहां देखो, आई जो है कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। अब आई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया? 2, क्योंकि आई जो है कितने टाइम्स है? 2। तो 1 2 2। ऐसे ही यदि आई को हम 3 टाइम्स रिपीट करें तो 1 × 3 हो जाएगा। यहां पर देखो लिखा हुआ x इंटू x इंटू x, x कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। अब x की वैल्यू क्या होती है? 10। तो x को 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। नेक्स्ट नोट में लिखा हुआ है नो रोमन सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो जी हाँ बच्चों, ये बात याद रखना कि कोई भी रोमन सिंबल्स 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। कितने टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा? 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया गया कि जो वी एल डी है, वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। तो जो सिंबल्स आपके कौन कौन से सिंबल हैं, वी है, एल है, डी है, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो रिपीट होने वाले कौन कौन से सिंबल हैं? आई, एक्स, सी एंड एम मे बी रिपीटेड। तो जो रिपीट हो रहे हैं वो कौन से सिंबल हैं? आई है, एक्स है, सी है और एम है जो रिपीट होगा। सेकेंड रूल में देखो क्या लिखा हुआ, इफ अ सिंबल इज रिटन ऑन द राइट ऑफ वन ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी एड इट्स वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन द लेफ्ट। तो यहां क्या बताया गया कि यदि कोई सिंबल राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, किसी ग्रेटर वैल्यू के राइट हैंड में लिखा हुआ है या ग्रेटर सिंबल्स के राइट हैंड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सिंबल उस राइट हैंड वाले बड़े वाले सिंबल्स में ऐड किया गया है।
देख लेते हैं जरा, जैसे क्या लिखा हुआ है, वी है, फिर आई और आई, तो वी फॉर फाइव। अब देखो फाइव बड़ा है, तो फाइव में आई और आई ये दोनों छोटे सिंबल्स हैं, तो इनको क्या किया गया, अब यहां पर ऐड कर दिया गया। देखो फाइव, फाइव प्लस वन, वन प्लस वन, तो फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा आपका सेवन। ऐसे यहां देख लो लिखा हुआ है एक्स वी आई आई, तो एक्स आपका बड़ा सिंबल है टेन, फिर उससे छोटा फाइव तो प्लस हो गया, फिर वन और वन, तो इस तरीके से क्या आ गया सेवनटीन हो गया। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है एक्स एक्स वी आई, तो टेन प्लस टेन प्लस फाइव प्लस वन, तो क्या हो गया आपका 26। तो जी हाँ, तो बच्चों याद रखना, यदि हम किसी बड़े सिंबल्स में ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल्स के राइट हैंड में कोई छोटी स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल्स पुट करते हैं तो उन दोनों की वैल्यू क्या होती है ऐड हो जाती है, क्या होती है ऐड हो जाती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है थर्ड रूल में, इफ अ सिंबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू वी सब्ट्रैक्ट इट्स वैल्यू। अब यही बात जस्ट अपोजिट में है कि यदि हम कोई सिंबल ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट हैंड में लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी। तो जैसे यहां देख लीजिए आप, लिखा हुआ है आई एक्स, आई क्या है छोटा सिंबल है, एक्स क्या है बड़ा सिंबल है, तो इसका मतलब अब देखो आई जो है एक्स के लेफ्ट हैंड में है, तो यहां पर आई की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू में से क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो टेन में से आप वन को माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी नाइन आ जाएगी। तो जी हाँ बच्चों, आपको याद रखना है यदि ये वैल्यू स्मॉलर वैल्यू राइट हैंड में है तो ऐड होगी, लेफ्ट हैंड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, अ रोमन सिंबल्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू कैन बी प्लेस्ड बिफोर अनादर ऑफ ग्रेटर वैल्यू ओनली वंस। तो यहां क्या बताया गया कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड में यदि आप लिखेंगे तो ओनली वन टाइम्स लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार आप लिख सकते हो। दूसरी बात क्या बताई गई, द सिंबल्स वी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड। अब कौन कौन से सिंबल्स हैं जो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, वी एल डी, तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, तो जो वी एल और डी सिंबल्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, और यही वो सिंबल्स हैं जो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये नियम है कुछ बच्चों, इनको ध्यान से आपको पढ़ना है और याद रखना है। नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है, यहाँ लिखा हुआ इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन बिटवीन टू न्यूमेरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सिंबल ऑन इट्स राइट। जैसे यहाँ क्या लिखा है एक्स वी एक्स आई वी, तो जो ये मिडिल में वैल्यू लिखी हुई क्या कौन सी आई, तो आई क्या है इस वैल्यू में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो ये हो गया टेन प्लस, अब देखो फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा फाइव माइनस वन, यही तो पढ़ा था कि यदि ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में कोई स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल लिखा हुआ है तो वो वैल्यू क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने रोमन न्यूमेरल्स के बारे में कुछ जाना, उसमें से क्या जाना कि जो रोमन सिस्टम है वो ओनली सेवन सिस्टम सेवन सिंबल से मिलकर बना हुआ है, उनकी वैल्यू भी आपको बताई गई, उनकी वैल्यू में बताया गया आई वन, वी की वैल्यू फाइव होती है, एक्स टेन होता है, एल फिफ्टी होता है, सी हंड्रेड होता है, डी फाइव हंड्रेड होता है और एम थाउजेंड होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, ध्यान देना जरा। अब मैंने अभी आपसे बताया था कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो रोमन नंबर्स जो सिंबल्स दिए गए हैं आपकी बुक में इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, इनके सिंबल्स की वैल्यू को लर्न कर लेना, तभी आप कुछ कर सकते हो, और जो न्यू रूल्स बताए गए इनको भी आपको समझ लेना है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिंदू अरेबिक नंबर्स लिखे गए हैं, इनको आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। अब जैसे फर्स्ट देख लो सेवन है, क्या है सेवन।
अब सेवन का मतलब क्या हो गया, फाइव प्लस टू, क्या होता है फाइव प्लस टू। चलिए हम आपको कॉपी में समझा देते हैं कैसे आप लिखोगे। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज कौन सी है, वन डी, आपकी एक्सरसाइज कौन सी हो गई, वन डी। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, राइट द रोमन न्यूमेरल्स, क्या लिखा हुआ है, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग, ए है सेवन। अब सेवन को रोमन नंबर्स में लिखना है, तो सेवन का मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो जरा, फाइव प्लस टू। अब फाइव का सिंबल क्या होता है, वी, फाइव का क्या हुआ, वी प्लस। अब टू को कैसे लिखोगे, वह आई प्लस आई, अभी तो होगा वन प्लस वन, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, वी आई आई। सेवन को आपने क्या लिख दिया, वी आई आई, ऐसा तो हुआ फाइव वन सिक्स वन सेवन, हो गया। तो आपने अपनी कॉपी में लिख दिया वी आई आई, क्या लिख दिया, वी आई आई। चलिए बी पार्ट बढ़ते हैं, बी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ, ट्वेंटी फोर, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ट्वेंटी फोर, क्या लिखा है, ट्वेंटी फोर। अब ट्वेंटी फोर का मतलब ध्यान दो जरा क्या हुआ, देखो ट्वेंटी प्लस फोर क्या है, ट्वेंटी प्लस फोर हुआ। अब ट्वेंटी को कैसे लिखना होता है, ट्वेंटी होता है एक्स और एक्स, एक्स और एक्स क्या हो गया ट्वेंटी। अब फोर को कैसे लिखा जाता है, आई वी, आप फाइव में से वन माइनस कर दो फोर हो गया, तो इस तरीके से आपका हो गया एक्स एक्स आई वी, तो ये नंबर क्या हो गया आपका, ट्वेंटी फोर। ऐसे लिखना है, क्या हो गया ट्वेंटी फोर, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, एक्स एक्स आई वी, क्या हो गया एक्स एक्स आई वी। ऐसे समझ लेते हैं, आगे जो नेक्स्ट है आपका 14 लिखा हुआ है। अब 14 का मतलब क्या हो गया, ध्यान दो जरा, 10 प्लस 4 क्या होता है, 10 प्लस 4, 10 आप जानते हो x से होता है, 4 भी आप सीख चुके हो i v, तो ये क्या हो गया आपका 14 x i v, क्या हो गया 14। ऐसे लिखा हुआ 31, 31 मतलब 30 प्लस 1, अब 30 आप कैसे लिखोगे, x x x, अभी आपने पढ़ा था ना कि किसी भी सिंबल्स को थ्री टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, अब वन कैसे, तो हो गया 31। ऐसे 45 क्या है, 45, अब 40 कैसे लिखोगे, 50 में 10 माइनस करोगे, अब 50 का सिंबल्स क्या होता है, L, तो L में से आप क्या करोगे, 10 को पहले माइनस करोगे, तो ये हो गया कितना 40। अब 5 कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे 39 लिखा, 39 को देखो 30 पहले आप लिख लोगे, फिर 9 आप लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, I और X, तो ये हो गया 9, तो इस तरीके से क्या हो गया 39। चलिए जो भी आपके नेक्स्ट पार्ट G, H और I बचा हुआ है इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो अब अभी तक आप क्या क्या कर रहे थे, हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिख रहे थे, अब आपको क्या करना है, रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखना है। तो देख लेते हैं, अब ध्यान दो जरा ये क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स। अब एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया, 10 प्लस 10, ध्यान दो जरा 10 प्लस 10, अब 10 प्लस 10 कितना होता है 20, क्या होता है 20। अब बी पार्ट में ध्यान दो जरा, देखो एक्सएल, एक्सएल का मतलब पहले तो 40 हो गया, प्लस अब आई आई का मतलब हो गया 2, 2 टाइम्स आई है तो 42, आपका आंसर क्या आ गया 42। ऐसे यहां देख लो 10 एक्स एक्स कितना हो गया 20 हो गया, प्लस आई वी का मतलब 4, तो क्या हो गया आपका आंसर 24, क्या हो गया 24। तो जो भी आपके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लें, जैसे लिखा हुआ एक्स एल वी, एक्स एल वी, अब एक्स और एल का मतलब आप जानते हो 40 होता है और वी की वैल्यू क्या होती है 5, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो गई 45।
अब यहां देख लो x x x का मतलब क्या हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हुआ 30। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है एक्सएल आई एक्स। अब एक्सएल 40 आई एक्स 9th क्या हो गया 49, क्या हो गया 49। यहां आप क्या लिख दोगे, ये वैल्यू हो गई आपकी 30, ये वैल्यू हो गई आपकी 49। तो आगे के जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं जी एच आई, इनको आप खुद से सॉल्व करोगे। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहां लिखा हुआ है राइट द प्रेडिक्सेसर। तो सबसे पहले तो आप प्रेडिक्सेसर समझ लो कि प्रेडिक्सेसर का मतलब क्या होता है। वैल्यू बिफोर वैल्यू ऑफ द गिवेन वैल्यू, गिवेन वैल्यू के जस्ट बिफोर पहले वैल्यू जो होती है। तो सभी बच्चे जानते हो कि जब कभी भी हम किसी नंबर का प्रेडिक्सेसर फाइंड करते हैं तो प्रेडिक्सेसर फाइंड करने में हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं, मतलब एक वैल्यू हम कम कर देते हैं, एक को हम माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं कि पहले इसमें जो वैल्यू है वो है क्या। देखो लिखा हुआ है x x x हो गया 30। अब 30 प्लस 3 का मतलब क्या होता है 33, क्या होता है 33। तो थोड़ा सा कॉपी में इसको समझ लेते हैं प्रेडिक्सेसर को। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। लिखा हुआ है x x x और i i i। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या हो गई। अब ध्यान दो जरा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 तो हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हो गया आपका 3। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो गई 33। अब 33 का यदि कोई बोले कि प्रेडिक्सेसर बताओ तो क्या बताओगे। अब भैया इसमें से प्रेडिक्सेसर फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, 1 को माइनस कर दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या आता है 32। तो इस तरीके से इसका जो प्रेडिक्सेसर होगा वो क्या होगा 32 होगा, क्या होगा 32 होगा। अब 32 को लिखा कैसे जाता है, 32 को कैसे लिखा जाता है, अब देखो x x x ये हो गया 30 और ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 32। तो जो आंसर आना है आपका वो क्या आना है 32, क्या आना 32। तो आप यहाँ 32 लिख दो, x x x और 1 2, तो ये हो गया आपका 32। ऐसे यहाँ देख लो, पहले इसकी वैल्यू समझ लो क्या है, x x i x मतलब 29। ये क्या लिखा है 29। अब 29 का प्रेडिक्सेसर मतलब 29 में एक माइनस कर दो आप, क्या होगा 28 होगा, क्या होगा 28। चलिए कॉपी में समझ लेते हैं, लिखा हुआ है बी पार्ट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, लिखा है x x i x। तो ये क्या हो गया, देखो जरा 10 हो गया 20 प्लस 9, क्या हो गया 29। अब 29 का प्रेडिक्सेशन मतलब 1 माइनस करोगे क्या आएगा 28। अब 28 को आप कैसे लिखोगे, तो 20 ये हो गया आपका, 8 कैसे लिखा जाता है 5 प्लस 3, ये है आपका 28। तो यहाँ आप फिल कर दोगे 28 एक्स एक्स वी आई आई आई, यही तो हुआ 28, क्या हो गया आपका 28। अब यहां ध्यान दो जरा, सी में लिखा हुआ है 21, क्या लिखा हुआ है 21। अब 21 का प्रेडिक्सेशन मतलब एक कम क्या होगा 20, क्या हो जाएगा 20, क्या होगा 20। ऐसे ही आप बड़ी आसानी से पहले इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फिर उसमें से 1 माइनस करके जो भी वैल्यू आए उसे रोमन नंबर में लिखते जाना है। तो सभी बच्चे ये काम खुद से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सक्सेसर की बात करें तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, मोर देन 1, उससे नेक्स्ट नंबर, जो भी गिवन वैल्यू है उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वही आपका सक्सेसर होता है। अब जैसे ये देखो क्या लिखा है, 11 लिखा। अब 11 में जब आप 1 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। ध्यान दो जरा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने जा रहा हूँ, जिसका ए पार्ट एक्स आई लिखा। एक्स आई का मतलब क्या होता है 11, और जब इसका सक्सेसर फाइंड करोगे तो इसमें से 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 12, क्या आ जाएगा 12। अब 12 को
रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, एक्स आई आई, क्या लिखा जाता है, एक्स आई आई। तो यहां आप क्या लिख दोगे, एक्स आई आई। ऐसे यहां पे देखो 30 लिखा है, तो 30 में 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, 31। यहां देखो क्या लिखा है, 22 लिखा है, 22 में 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, 23। तो इस तरीके से आप 1 प्लस करते हुए जो भी वैल्यू आनी है उसे रोमन नंबर में लिखते जाना है। आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जहां लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, यहां थोड़ा सा मिस प्रिंट है, लिखा है नहीं, ठीक है, लिखा है 2 प्लस 5। क्या लिखा, इसे ध्यान दो जरा, ये क्या है 2 प्लस, ये क्या है 5। अब 2 प्लस 5 का मतलब क्या होता है, 7। क्या होता है, 7। अब 7 को रोमन नंबर में आप कैसे लिखते हो, वी आई आई, ऐसे तो लिखा जाता है, तो यहां आप क्या लिख दोगे, वी आई आई। ऐसे यहां ध्यान दो जरा, ये क्या है आपका 9 है, प्लस ये क्या है 2 है। अब 9 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। अब 11 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, एक्स आई, क्या लिखा जाता है, एक्स आई। तो सी पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट में देखो एल एक्स आई वी लिखा है, तो एल एक्स का मतलब हो गया 40, आई वी 4, 44 प्लस 4। अब ये देखो ध्यान दो, 44 प्लस 4 मतलब 48, 44 प्लस 4 मतलब 48। अब 48 को कैसे लिखोगे रोमन नंबर में, तो कैसे लिखते हैं हम, ये हो गया आपका, सॉरी ये है आपका 50। सी पार्ट हम फिर से देखते हैं, यहां समझ लेते हैं, एल एक्स आई वी क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट कॉपी में आप समझ लीजिए, वहां थोड़ा सा गलतियां हो गई। सी पार्ट लिखा एल एक्स आई वी, एल एक्स आई वी प्लस आई, ध्यान दो जरा, एल एक्स, एल एक्स का मतलब हो गया 60, ये क्या हो गया 60 ना कि 40, प्लस आई वी का मतलब 4, पहला तो ये हो गया 64, प्लस ये भी 4, क्या हो गया 68, 58 ना होके क्या लिखना है 68। अब 68 कैसे लिखोगे, एल एक्स ये हो गया 60, अब 8 कैसे लिखना, 1 वी आई आई आई, तो ये लिखना है आपको 68। ऐसे 48 ना लिख के आपको यहाँ क्या लिखना है, ये हो गया 64 प्लस 4 68। 68 कैसे लिखा जाता है, एल एक्स वी आई आई आई, तो ये हो गया आपका 68। तो ऐसे ही डी पार्ट में आप क्या देख रहे हो, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 50 प्लस 9 59। अब 59 में जब आप 1 प्लस करते हो 59, तो 59 को कैसे आप लिखते हो, एल आई एक्स, तो ये क्या हो गया आपका 59। तो जो भी आपके पार्ट्स बचे हुए हैं, ई एफ जी एच आई पार्ट्स, तो इनकी वैल्यू को पहले आप सभी बच्चे हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐड करने पे जो भी आता है उसे आप रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करके जो भी कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ आप राइट कर दोगे। तो इस तरीके से क्या देखते हो कि जो भी ये एक्सरसाइज है आपकी 1D, 1D कौन सी एक्सरसाइज, रोमन न्यूमेरल्स, तो ये फिनिश होती है। लेकिन सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो भी सिंबल्स दिए गए हैं, इनकी वैल्यू दी गई है, उन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे और कुछ जो नियम दिए गए हैं उनको भी अच्छे से समझ लेंगे। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। ये जो भी पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग आगे के एक्सरसाइज। थैंक यू।